गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप अपने फोन पे के यूपीआई पिन को बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। काफी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि यूपीआई पिन नहीं चेंज हो रहा है, नहीं बन रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर चलिए एक एक प्रोसेस मैं आपको A to Z सेटिंग के साथ बताता हूँ, जिससे आपको कभी भी भविष्य में दिक्कत ना हो सके। जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है, जैसे गाइस आपको पता ही है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है इसमें फोन पे पर अपने अकाउंट को लॉगिन करने का, साइनिंग करवाने का, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ऐड अकाउंट करने का। यहाँ पर अपने अकाउंट को ऐड कर लीजिए। सबसे पहले काम जो होता है वह अपने अकाउंट को ऐड कर लीजिए। जिस भी आप बैंक में अपने अकाउंट को ओपन करवाए हैं उसी बैंक को यहाँ पर चूज करके उसको ऐड कर लेना है, फिनिश कर लेना है। अगर आप बैंक अकाउंट को भी ना ऐड कर सके तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। तो फिलहाल गाइस मैं बैंक अकाउंट को पहले से ऐड कर दिया हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं। मैं तो पहले से सेट किया हूं लेकिन फिर से मैं बताने वाला हूं कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मेरा जो माई QR, यहां पर यूपीआई पिन मेरा देखने को मिल गया है, UPI ID। ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो यहां पर गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको चले जाना है यहां पर अपने लोगों पर। यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप भी अपना लोगो अभी तक नहीं लगाए हैं तो यहाँ पर अपनी फोटो या लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं पहले से सेटअप किया हुआ हूँ। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, यहाँ पर UPI सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल गया है। यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर आप किसी भी, जैसे कि यहाँ पर एक्टिवेट लिखा है, एक्टिवेट नाउ है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप, अगर मैं इस पर क्लिक करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए एक्टिवेट पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा यहाँ पर मैसेज जाएगा, यहाँ पर देखिए मेरा SMS अभी जाएगा, अभी ऊपर शो करेगा एक्टिवेट होने के लिए। यहाँ पर देखिए UPI ID एक्टिवेट द फॉलोइंग UPI ID फॉर यू, यहाँ पर देखिए मेरा मैसेज आ गया है। अब ये देखिए मेरा मैसेज जा चुका है। अब ऐसे आप अपने UPI ID को फिर से कर सकते हैं। काफी लोग को ऐसे फेल्ड बता रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फेल्ड बताता है, क्यों बताता है, क्योंकि अगर आप अपने बैंक अकाउंट को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर लॉगिन किए हुए हैं तो इस प्रकार का इशू आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल गाइज मैं पहले से यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया हूँ। तो आपको कैसे फिर से यहाँ पर आपको UPI ID का फिर से ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर UPI सेटिंग में जैसे मैं आपको दिखाया, आपको यहाँ पर करना है एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। और इसी तरह आप यहाँ पर अपनी UPI ID को फिर से कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको बता रहा है तो मैं जैसे आपको बताया कि आप अगर एक ही अकाउंट को 2-3 बार अपने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका फिर से सही हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर आपको कोई और इशू आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।